नमस्कार, आप देख रहे हैं नुग्गड़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ प्रियंका। अबोहर से हमारे संवाददाता सोनू सिहाग ने बताया कि अबोहर में कोरोना वायरस के चलते पंजाब में 1 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए मंडी में आने की छूट दी गई है। लगातार खराब हो रहे मौसम के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी ने अनाज मंडी में किसानों के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो किसानों की मंडी में पड़ी गेहूं भीग जाती है। किसान इस समय गेहूं की कटाई कर रहे हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो उनकी गेहूं की कटाई करते समय काफी रुकावट आ जाती है। जो गेहूं कटाई के लिए कंबाइन व थ्रेसर साथ में तूड़ी बनाने वाली मशीन लगाई होती है, वह भी बारिश के कारण बंद करनी पड़ती है और कुछ देर बाद तेज धूप खिल जाती है। किसानों के पास त्रिपाल न होने के कारण किसानों का अनाज पानी में भीगता रहा है। अनाज भीगने से काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि किसानों के लिए मंडियों में बरसात के दौरान विशेष प्रबंध करवाए जाएं।